नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के बारे में और साइंट के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में हम लोग देखेंगे 2021 के रिजल्ट। साथ ही दोस्तों, टारगेट प्राइस क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होंगे और किस लेवल पे बाई करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ यही देखना है। तो दोस्तों, आज हमने दो कंपनियों के रिजल्ट पिक किए हैं जो आए हैं और अच्छी क्वालिटी के दोनों ही स्टॉक हैं, तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाना जाता है टेलीग्राम नेटवर्क। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी अपस्टॉक लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करिए, तो वहां से सक्सेस रेट जरूर बढ़ जाता है। तो आप स्टॉक का अकाउंट भी जरूर ओपन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे आप IPO अप्लाई करने में मदद मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा शुरू करते हैं इन दोनों ही स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग साइंट का रिजल्ट देखते हैं कि साइंट का रिजल्ट कैसा रहा। तो साइंट का रिजल्ट अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो टोटल इनकम, यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, टोटल इनकम आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से, तो टोटल इनकम जो है वो इंक्रीज किया है सितंबर क्वार्टर से, बहुत थोड़ा सा नॉमिनल सा इंक्रीज किया, लगभग 5% से इंक्रीज किया है। लेकिन अगर दोस्तों लास्ट ईयर के क्वार्टर से देखें तो इनकम इनकी रिड्यूस हुई है। साथ ही दोस्तों, टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, अगर हम लास्ट ईयर से देखें तो डिक्रीज हुए हैं। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट बन रहा है साइंट का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं हम लोग, यस, नेट प्रॉफिट जो बन रहा है वो 954 करोड़ का बन रहा है, और लास्ट ईयर जो कि लास्ट क्वार्टर से देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं, और यहां से लगभग 10% का लगभग प्रॉफिट हुआ है, 10% अराउंड, और अगर हम लास्ट ईयर से कहें तो लॉस में है लगभग 10% के। तो उससे देखें तो जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है और काफ़ी तो COVID-19 के पहले के लेवल पे आ गए हैं, लेकिन चूंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन इतना स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए इसकी वजह से इनके थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है कोविड की वजह से। बाकी अगर हम स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखें दोस्तों, तो यहाँ से दिख रहा होगा स्टैंड अलोन, यहाँ पे देखिए तो प्रॉफिट जो है वो 757 करोड़ है स्टैंड अलोन, और स्टैंड अलोन इनकम भी जो टोटल इनकम है दैट विल ऑल्सो इंक्रीजेस, तो ये इंक्रीज कर रही लास्ट प्रीवियस क्वार्टर से और लास्ट ईयर से डिक्रीज कर रही है। तो लास्ट ईयर ऑन ईयर डिक्रीज किया है रिजल्ट, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव किया रिजल्ट, तो मिक्स रिजल्ट यहाँ पे कह सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर हम दूसरा रिजल्ट लें SBI कार्ड का, तो SBI कार्ड का अगर आप क्रिसिल की रेटिंग देखें तो लॉन्ग टर्म रेटिंग AAA है, स्टेबल रेटिंग दी है। क्रिसिल की शॉर्ट टर्म रेटिंग A1+ दिया है। इकरा की लॉन्ग टर्म रेटिंग AAA स्टेबल दिया है। इकरा की शॉर्ट टर्म रेटिंग A1+ दिया है, तो रेटिंग वेरी गुड। साथ ही दोस्तों, अगर आप इनकम देखें तो इनकम इनका जो है, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल 21, तो यहाँ पे देखिए तो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो इनकम लगातार थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर रही है, -3% के आसपास है। अगर हम टोटल इनकम देखें तो टोटल इनकम भी -1% करीब है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट देखें आफ्टर टैक्सेशन, तो दैट इज डिक्रीज बाय -52%, तो दैट इज द बिग कंसर्न। तो वहां से आप कह सकते हैं कि अगर लास्ट ईयर के देखें क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल 20 से, तो वहाँ से डिक्रीज हुआ है -52%, दैट इज़ द बिग कंसर्न। और दोस्तों, टोटल एसेट्स जो है, जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितना लोन है कितना क्या है, तो वो कहीं ना कहीं आप देखिए तो इंक्रीज कर रहा है 5% से, तो ये एक बड़ी चीज़ है। और साथ ही टोटल लाइबिलिटीज इक्विटी 5% से इंक्रीज किया है, तो एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं, मिक्सड रिजल्ट है, लेकिन प्रॉफिट चूंकि डिक्रीज किया है एज एक्सपेक्टेड था, लेकिन थोड़ा सा इंडस्ट्री एस्टिमेट को वीट किया, तो थोड़ा सा करेक्शन शेयर में आ सकता है। तो दोस्तों, हम लोग अब देखते हैं कि बाइंग लेवल्स क्या रहेंगे SBI कार्ड्स के। तो सबसे पहले हम 3 मंथ का हम चार्ट से हमने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों,
अब हम 3 महीने के चार्ट पे देखेंगे कि 903 का एक स्टॉप लॉस बनता है यहाँ से। जब तक 903 को करेक्ट नहीं करेगा, 903 तब तक इसमें डाउन ट्रेंड की कोई आशंका नहीं है। तो आप 903 को एक स्टॉप लॉस मान के इसमें ट्रेड करिए, और ऊपर की तरफ जो काफ़ी, चूंकि शेयर उठ चुका है तो थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, 940 के अराउंड बाई करिए। तो 940 के अराउंड बाई करें और 1050 के टारगेट के साथ इसमें प्ले करिए, और 903 का स्टॉप लॉस लगाइए इसको 3 मंथ के लिए। साथ ही दोस्तों, अगर हम सैंड का देखें तो सैंड का अगर हम 3 मंथ का देखें तो शेयर काफ़ी चल चुका है 3 मंथ में, पिछले लगभग लगभग कह सकते हैं कि 50% रन कर चुका है। तो वहाँ से अगर हम देखें तो ये देखिए, यस, तो ये बॉटम लाइन पे खड़ा हुआ है। इसका मेजर जो सपोर्ट है 482 के आसपास है, और अपसाइड जो है 550 तक के टारगेट एज पर द बोलिंगर बैंड एंड वॉल्यूम सजेस्ट। रिजल्ट ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक है। तो 480 के अराउंड आप बाई करिए, 450 का स्टॉप लॉस लगाइए। फिर से दोस्तों समझिए, 480 के अराउंड बाई करें, 450 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस इसका 480 के अराउंड, 450 के अराउंड है, और जो टारगेट प्राइस होंगे वो 550 के टारगेट होंगे। तो काफ़ी अच्छा है शेयर। तो दोस्तों उम्मीद है दोनों रिजल्ट्स आपको पसंद आए होंगे। तो हमें फॉलो करिए टेलीग्राम चैनल पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ट्रेडिंग बुल्स नाम से जा सकते हैं। और डिस्क्लेमर को जरूर पढ़िए, वी आर नॉट रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही इन्वेस्ट करें। और साथ ही दोस्तों डिस्क्लेमर को जरूर पढ़िए, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, लॉस भी हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।